आज हम कक्षा 9 विज्ञान विषय का जो पहला अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थ उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में सभी छात्रों का स्वागत है। और जैसा कि पाठ के नाम से आपको लग रहा है, हमारे आसपास के पदार्थ मतलब हम जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण में चारों ओर जो पदार्थ पाए जाते हैं वो जीवित भी होते हैं और अजीवित भी होते हैं। तो पदार्थ क्या है, सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो वो पदार्थ जो कोई स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, आयतन मतलब जो स्थान घेरता है, कुछ जगह लेता है, वो सारे पदार्थ कहलाते हैं। आप देखते हैं आपके चारों ओर हवा है, पत्थर है, टेबल है, बादल हैं, पौधे हैं, कितने सारे पदार्थ आपको दिखाई देते हैं। आप उनको जीवित और अजीवित में भी बांट सकते हैं। तो पदार्थ क्या है, पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, उनके भौतिक गुण। तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उनके कणों का आकार बहुत छोटा होता है। कोई भी पदार्थ, तो आप चौक देखते हैं, चौक भी एक पदार्थ है, वो भी छोटे छोटे बारीक कणों से मिलकर बना होता है। अब हम पढ़ेंगे इन कणों के गुण, ये कण कैसे होते हैं। तो ये जो कण है पदार्थों के, वो उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान मतलब एक कण और दूसरे कणों के बीच में थोड़ा सा खाली स्थान होता है। देखिए एक उदाहरण के द्वारा हम आपको बता रहे हैं। आप एक बीकर में जल लीजिए, आप घर में भी ये प्रैक्टिकल कर सकते हो। जल लेंगे, आप उसका लेवल देख लीजिए पानी का, कि आपने आधा गिलास लिया है, आप उसमें 2 या 3 चम्मच नमक मिलाएं या नमक की जगह आप शक्कर मिला सकते हैं। उसके बाद आप खोलने के बाद आप देखेंगे कि पानी का जो आकार है, पानी ऊपर तक नहीं उठा हुआ है, पानी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि जो जल है, जल के कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं और उसमें हमने शक्कर या नमक जो भी मिलाया तो वो उस स्थान में समा जाता है, उस स्थान में आ जाता है। उसके लिए हमें कोई अलग से स्थान नहीं देना पड़ता। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थों के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। और आपको घुलने के बाद नमक अलग दिखाई नहीं देगा और जल अलग दिखाई नहीं देगा, मतलब आपको लगेगा जल और नमक बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं। दूसरा गुण है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जो कण है, जैसे आप एक गिलास पानी लीजिए और पानी स्थिर कर लीजिए, हिले ना, आप उसमें स्याही की कुछ बूंदें डालेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे स्याही की बूंद पूरे पानी में फैल गई है और पानी का रंग एक सा हो गया है। तो जल के जो कण हैं और स्याही के कण हैं वो गतिशील होते हैं, गति करते रहते हैं, हलचल होती रहती है उनमें और इस प्रकार वो पूरे में फैल जाते हैं। पदार्थों का तीसरा गुण है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित मतलब एक कण दूसरे कण की ओर पास आ जाता है। तो इस प्रकार कणों के बीच में हम कह सकते हैं आकर्षण बल होता है। ये आकर्षण बल कहीं अधिक कहीं कम हो सकता है। तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल होता है ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था जानते हो ना, जैसे आप लकड़ी ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, द्रव पानी दूध। द्रव तरल अवस्था में आकर्षण बल बीच का होता है, मतलब ठोस से कम और गैस से ज्यादा। सबसे कम आकर्षण बल होता है गैस में। यहाँ पर हम इन आकर्षण बल से संबंधित ये जो आ तो उससे संबंधित एक परिभाषा है विसरण। जब कोई भी दो पदार्थ के कण आपस में मिल जाते हैं तो इसको हम कहते हैं विसरण। ये परिभाषा अक्सर परीक्षा में आती है। तो पदार्थों की अवस्थाओं, तीन अवस्थाएं होती हैं, होती तो 5 अवस्थाएं, लेकिन यहाँ पर हम केवल मुख्य 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठोस, द्रव और गैस। अब हम क्रम से इन अवस्थाओं के गुण पढ़ेंगे। ठोस अवस्था, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, तो इसमें हम सबसे पहले ठोस अवस्था के बारे में पढ़ते हैं।
ठोस अवस्था में निश्चित आकार होता है, जैसे लकड़ी का गुटका, ईंट, आपने देखा ना, इनका आकार निश्चित होता है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद हम इनको दबाएं तो इनका आकार बदल जाए। स्पष्ट सीमा, उनकी जो बाउंड्री वाल है, चारों ओर की जो सीमा है वो एकदम क्लियर रहेगी, स्पष्ट रहेगी। आयतन उनका स्थिर होता है, जितना स्थान वो घेरते हैं आप थोड़े देर बाद या हमेशा देखेंगे उतना ही स्थान घेरते हैं। कम संपीडिता, ये संपीडिता है, कम मतलब नहीं के बराबर, इनको संपीडिता का अर्थ है इसको हम दबा नहीं सकते। यहाँ कम का मतलब है नगण्य, बिल्कुल नहीं के बराबर। और ठोस पदार्थ अधिकतर कठोर अवस्था में पाए जाते हैं। इसके बाद हमारी अगली अवस्था आएगी द्रव अवस्था। द्रव अवस्था तरल अवस्था, उसमें अनिश्चित आकार होता है, आयतन निश्चित होता है, और बहाव मतलब ये थोड़ा सा इनको हम डालते हैं, यदि हमने इसको गिलास से ज़मीन में डाला तो ये जहाँ जहाँ इनको जगह मिलेगी वो उस दिशा में बहने लगते हैं, और जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं। ये भी हमारे दैनिक जीवन में आपने देखा है, पानी, दूध, आप पानी को गिलास में रखोगे तो गिलास का आकार ले लेगा, आप उसको एक चौड़े बर्तन में रखेंगे तो वो उसी बर्तन का आकार ले लेगा। गैसीय अवस्था, अगली अवस्था है गैसी, इनका अनिश्चित आकार होता है, जितना भी इनको जगह मिलती है ये गैस उतनी ही जगह में फैल जाते हैं, और इनकी एक विशेषता है कि हम इनको दबा दबा कर भी भर सकते हैं, अधिक जोर से भी दबा कर इनको हम डाल सकते हैं किसी बर्तन में, टंकी में, तो अधिक संपीडिता। और फिर है तीव्र विसरण, और ये तेजी से फैलते भी हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो कि हमारी हवा में चारों ओर पाए जाते हैं। आप ये देखिए, ठोस, द्रव और गैस, ये इनके कण, ठोस अवस्था में जो कण होते हैं आपको ये काले रंग के, ये पास पास होते हैं, इनके बीच में रिक्त स्थान बहुत कम पाया जाता है। और ये द्रव अवस्था, इनमें जो कण हैं वो थोड़ा सा दूर दूर जाते हैं, और गैस अवस्था में जो कण हैं वो बहुत दूर दूर हो जाते हैं, यदि इनको और भी पर्याप्त स्थान मिले तो ये दूर दूर फैल जाएंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे इन जो ठोस, द्रव और गैस अवस्था है, इनमें हम परिवर्तन करते हैं, तो परिवर्तन जब करते हैं तो हम थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, हमें ताप देखना पड़ता है, तो यहाँ पर हम थर्मामीटर के बारे में बता रहे हैं। थर्मामीटर, जैसा कि नाम से दिख रहा है, ताप मापक यंत्र, ये ताप नापता है। ताप नापने की कुछ इकाइयाँ हैं, कुछ वैज्ञानिकों ने, जैसे अपन दूरी को मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं, आप सब्जी लेने जाते हो तो वजन को किलो में नापते हो, ऐसे ही ताप को सेल्सियस पैमाने पर डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट पैमाने पर डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन पैमाने में डिग्री केल्विन, ये ताप नापने की इकाइयां हैं। तो अब हम थर्मामीटर का उपयोग करेंगे अवस्था परिवर्तन में। तो आगे हम देखते हैं कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ ठोस अवस्था में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकते हैं, और गैस, सबसे अच्छा उदाहरण है जल। आप जल को ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में देखते हैं, और द्रव अवस्था में जल, और गैस अवस्था में जल वाष्प, तीनों के सूत्र हैं H2O। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये तापमान परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर हम एक बीकर लेते हैं, ये नीचे जो आपको दिख रहा है ये बर्नर है, इससे ताप उत्पन्न होगा, यहाँ बर्फ रखते हैं, और बर्फ यहाँ हम गर्म करेंगे, कुछ देर बाद देखेंगे कि बर्फ पिघलकर द्रव अवस्था में बदल गई है। तो जब ये द्रव अवस्था में बदलना आरंभ करती है तो ये थर्मामीटर लगा हुआ है, ये थर्मामीटर में एक पैमाना बना हुआ रहता है, निशान लगे हुए रहते हैं, तो वहाँ पर हम वो तापमान नोट कर सकते हैं। इस प्रकार ये ताप देने से यहाँ पर इसकी अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे जैसे ताप बढ़ता है तो यहाँ पर जो पदार्थ के कण हैं इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आपने देखा है दूध को हम गर्म करते हैं और जब दूध उबलता है, उबलते हुए दूध देखिए आप
बर्तन से बाहर आ जाता है, इसका मतलब उसमें गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस प्रकार किसी भी ठोस को हम यदि हम तापमान देते हैं तो वो पिघल कर द्रव में बदल जाता है और उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब यहाँ अवस्था परिवर्तन से संबंधित एक परिभाषा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, गलनांक। गलनांक मतलब गलना, वह ताप, ये ताप है एक प्रकार का, जिस ताप पर कोई पदार्थ पिघलना या गलना आरंभ करता है वो ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलेगा, सेल्सियस पैमाने पर, और केल्विन पैमाने पर 273 डिग्री केल्विन पर बदलेगा। गलन या संगलन अगली परिभाषा है, जब कोई ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसको हम बोलते हैं संगलन या गलन। तो जिस ताप पर कोई पदार्थ गलता है वो गलना, जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलना आरंभ करता है वह ताप उस पदार्थ का क्या कहलाता है, क्वथनांक। जैसे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 डिग्री केल्विन है। यहाँ पर हम क्वथनांक को समझने के लिए एक प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक बीकर में जल लिया है और हम इसको नीचे बर्नर की सहायता से गर्म कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे जैसे ही इसको ताप मिलेगा तो ये जल उबलना आरंभ करेगा, और थर्मामीटर की सहायता से हम इसके उबलने का ताप नोट कर सकते हैं। तो वह ताप जिस पर ये उबलना आरंभ करता है वह इस द्रव का यानी कि जल का ये क्वथनांक कहलाएगा। तो जल का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। यदि केल्विन पैमाना लेते हैं तो हम 373 डिग्री केल्विन लिखेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पदार्थ ठोस से द्रव, द्रव से गैस, इस प्रकार तीनों अवस्थाओं में पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। आप देखिए, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, और इस प्रकार गैसी अवस्था से द्रव अवस्था और ठोस अवस्था में आसानी से बदल सकते हैं। यहाँ पर कुछ परिभाषाएं हैं, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या है, इसका भी आपने दैनिक जीवन में देखा है, कपूर देखा है, आप पूजा सामग्री में कपूर का उपयोग करते हैं, वो ठोस अवस्था में है। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं बिना द्रव में बदले, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। और यदि पदार्थ सीधे गैस से ठोस में बदल जाए तो उसे हम कहेंगे निक्षेपण। इसको हम एक प्रयोग के द्वारा समझते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने एक अमोनियम क्लोराइड लिया है जो कि एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ये देखिए, एक हमने एक चीनी मिट्टी की प्याली ली हुई है, यहाँ पर हमने अमोनियम क्लोराइड रखा हुआ है ठोस, नीचे से बर्नर से इसको गर्म करते हैं, और इस की मिट्टी जो चीनी मिट्टी की प्लेट है, प्याली, इसके ऊपर एक हम उल्टी फनल रख लेते हैं, कीप, और यहाँ पर जो कीप में ऊपर छेद होता है वहाँ पर एक रुई का टुकड़ा लगा देते हैं जिससे यहाँ से बनते हुए पदार्थ ऊपर बाहर ना निकले। जैसे हम इसको गर्म करते हैं तो ये अमोनियम क्लोराइड, ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये बाष्प बनकर ऊपर उड़ता है। ये ठोस से द्रव में नहीं बदलता, सीधे गैस में बदलता है और ऊपर जाता है, लेकिन इसको ऊपर यहाँ रास्ता नहीं मिलता, जगह नहीं मिलती बाहर निकलने के लिए, तो यहाँ पर ये गैस अवस्था में बदल जाता है, और धीरे धीरे जब इस बर्नर को हम बंद कर दें तो ये गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन। तो ये अमोनियम क्लोराइड, अभी मैंने इसके पहले एक उदाहरण और दिया था, कपूर, ये सब ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं। इस पाठ का अगला भाग हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।